हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभ्यस्त एकेडमी पर। आज के इस वीडियो के जरिए हम छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020 के अंतर्गत सहायक वन संरक्षक SDO तथा वन क्षेत्रपाल रेंजर के नई शुद्धि पत्र, शैक्षणिक योग्यता, परीक्षा केंद्रों में संशोधन, इसके अलावा 2020 में जारी हुए विज्ञापन का पूर्ण विश्लेषण कर ऑनलाइन आवेदन तिथि, लिखित परीक्षा की तिथि, कुल पदों का वर्गवार विवरण, साक्षात्कार, आयु सीमा, शारीरिक मापदंड, चयन प्रक्रिया और परीक्षा योजना, इसके अलावा लिखित परीक्षा तो सिलेबस की पूरी डिटेल्स जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा पुराने अभ्यर्थी जो फॉर्म भर चुके हैं उनको अब क्या करना है और नए अभ्यर्थी कब से कब तक फॉर्म डाल पाएंगे, त्रुटि सुधार कब से कब तक होगा तथा कौन से विषय से कितने अंकों के प्रश्न आएंगे, आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए जिससे आप सफल हो सकें, इन समस्त पहलुओं की जानकारी आपको मिलने वाली है जिससे आप उक्त परीक्षा प्रणाली को अच्छे से समझ कर परीक्षा में सम्मिलित होने अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। आइए फिर शुरू करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर द्वारा जारी छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020 का शुद्धि पत्र है। शैक्षणिक योग्यता को लेकर इसमें रोक लगाई गई थी जिसमें संशोधन कर पुनः इसमें शुद्धि पत्र जारी किया गया है। अब इसके ऑनलाइन आवेदन फिर से भरे जाएंगे, तो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि देखते हैं। 11/10/2021 के मध्यान्ह 12 बजे से दिनांक 30/10/2021 के रात्रि 11:59 तक इसमें ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। इसकी परीक्षा तिथि भी जारी की गई है। परीक्षा तिथि की डेट 5/12/2021 है। बहुत कम समय है दोस्तों, 2 महीने से भी कम समय है, आपको तैयारी में अभी से लग जाना चाहिए। इसके अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को समझते हैं। आपको पता चल ही गया है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 11/10/2021 से 30/10/2021 तक होना है। त्रुटि सुधार के लिए आवेदन 31/10/2021 से 4/11/2021 तक किया जा सकता है। त्रुटि सुधार कार्य 5/11/2021 से 9/11/2021 तक होगा जो ऑनलाइन होगा और केवल एक बार किया जाएगा। इसके लिए आपको शुल्क देने पड़ेंगे, 100 रुपये शुल्क देने पड़ेंगे। अब समझते हैं श्रेणी सुधार। अगर आप आरक्षित वर्ग में हैं और आरक्षित वर्ग से जनरल में अपना फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको त्रुटि सुधार का शुल्क देना पड़ेगा और अंतर राशि देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जनरल में हैं, अनारक्षित में हैं और आरक्षित वर्ग में फॉर्म डालना चाह रहे हैं जैसे ST, SC या OBC में, तो आपको त्रुटि सुधार का शुल्क देना पड़ेगा, लेकिन जो अंतर राशि आपको वापस नहीं की जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक 16/6/2020 से 15/7/2020 तक छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020 से तो ऑनलाइन आवेदन किए थे, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए नए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन प्रस्तुत किया गया है उन्हें दिनांक 31/10/2021 से 4/11/2021 तक नए परीक्षा केंद्र चुनने का मौका दिया जाएगा जो केवल ऑनलाइन माध्यम से होगा और एक बार होगा। अगर इस स्थिति में आप परीक्षा केंद्र का चयन नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा स्वतः ही परीक्षा केंद्र का चयन कर दिया जाएगा जो अपरिवर्तनीय रहेगा। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट शैक्षणिक योग्यता की। तो सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्रपाल के लिए पूर्व में जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें आवश्यक शैक्षणिक अर्हता को विरोपित करते हुए इसमें संशोधन किया गया है। उम्मीदवार के पास क्या क्या शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए जान लेते हैं। सबसे पहले उम्मीदवार के पास पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कंप्यूटर अनुप्रयोग आपलिक विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूविज्ञान, बागवानी, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, प्राणीशास्त्र, कृषि या वानिकी, इनमें से कम किसी एक विषय के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है, अथवा चिकित्सा शिक्षा आयुष की किसी भी विषय आपलिक शाखा में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक की डिग्री होना चाहिए, अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद आपलिक भारतीय फार्मेसी परिषद आपलिक वास्तुकला परिषद के द्वारा मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा के किसी भी विषय आपलिक शाखा में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। इस भर्ती प्रक्रिया के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण टिप दिए गए हैं, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। ऐसे अभ्यर्थी या उम्मीदवार जो किसी परीक्षा में बैठ चुके हैं जिसमें उत्तीर्ण होने से उपरोक्त पद हेतु शैक्षिक रूप से योग्य हो जाएंगे वे उक्त परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं, लेकिन साक्षात्कार के समय उत्तीर्ण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसा नहीं करने पर साक्षात्कार उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बार फिर सुनिए, साक्षात्कार के समय आयु और शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज पेश नहीं करने पर आपको साक्षात्कार उपस्थित होने नहीं दिया जाएगा। अगला पॉइंट है निर्धारित आयु सीमा। इस भर्ती प्रक्रिया हेतु आपकी आयु कितनी होनी चाहिए ये समझते हैं। आयु की गणना 1/1/20 को की जाएगी। 1/1/20 को कम से कम आपकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 30 वर्ष है। लेकिन छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए अधिकतम आयु में छूट प्रदान किया गया है। आपकी अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। एक बार फिर सुनिए, 1/1/20 को आयु की गणना होगी। कम से कम आपकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा अवधि के लिए की जाएगी। स्टाइपेंड क्या होगा ये समझते हैं। पहले वर्ष में कुल वेतन का 70%, दूसरे वर्ष में 80% और तीसरे वर्ष में 90% दिया जाएगा। चौथे वर्ष से आप स्थायी हो जाएंगे, आपको पूरा वेतन मिलना प्रारंभ हो जाएगा। परीक्षा केंद्र की बात करें तो परीक्षा केंद्र रायपुर, दुर्ग भिलाई, जगदलपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर, बैकुंठपुर, धमतरी, दंतेवाड़ा, जांजगीर चांपा, जसपुर, कबीरधाम, कांकेर, कोरबा, महासमुंद, रायगढ़, राजनांदगांव और बलौदाबाजार में दिया गया है। आइए पदों के विवरण को वर्गवार समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सहायक वन संरक्षक SDO की। अनारक्षित के लिए 8 पद, अनुसूचित जाति के लिए 3 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 पद, इसी में बैकलाग के लिए 2 पद भी है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद। इन्हीं पदों में से महिलाओं के लिए अनारक्षित के लिए 2 पद और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद निर्धारित किए गए हैं, जबकि अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए कोई पद निर्धारित नहीं किए गए हैं। कुल पद की बात करें तो 19+2 कुल 21 पद है सहायक वन संरक्षक SDO के लिए, कुल 21 पद है। वेतन मैट्रिक्स की बात करें तो लेवल 12 56,100 निर्धारित किया गया है। अगला पद है वन क्षेत्रपाल, जिसको रेंजर बोला जाता है। इसके लिए अनारक्षित में 66 पद, अनुसूचित जाति में 19, अनुसूचित जनजाति के लिए 50 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 22 पद है। इन्हीं पदों में से महिलाओं के लिए अनारक्षित में 19, अनुसूचित जाति के लिए 5, अनुसूचित जनजाति के लिए 15 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 पद निर्धारित किए गए हैं। कुल पदों की बात करें तो वन क्षेत्रपाल रेंजर के लिए कुल 157 पद निर्धारित किए गए हैं। वेतन मैट्रिक्स की बात करें तो वेतन मैट्रिक्स इसका लेवल 9 38,100 से प्रारंभ होगा। कुल पदों की बात करें तो सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल मिलाकर कुल 178 पद निकले हैं। कुल 178 पद विज्ञापित किए गए हैं। उपरोक्त दोनों पदों के लिए शारीरिक मापदंड न्यूनतम क्या होने चाहिए ये जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऊंचाई की। अनारक्षित, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए कम से कम 163 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर निर्धारित किए गए हैं। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो इनके पुरुषों के लिए 152 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर निर्धारित है। बात करें सीना की तो सीना 79 सेंटीमीटर से 74 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। सीना विस्तार की बात करें तो कम से कम 5 सेंटीमीटर दिया गया है। शारीरिक क्षमता परीक्षण 4 घंटे पैदल चलना होगा। पुरुषों के लिए 26 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 16 किलोमीटर निर्धारित किए गए हैं। बात करें चयन प्रक्रिया की तो चयन प्रक्रिया पूर्णतः लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। अगला पॉइंट है ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क। ऑनलाइन आवेदन हेतु आपका आवेदन शुल्क कितना रहेगा ये जान लेते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपये निर्धारित किए गए हैं, जबकि अनारक्षित एवं छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासियों के आवेदकों के लिए 400 रुपये निर्धारित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा की परीक्षा योजना को समझते हैं। सबसे पहले प्रथम चरण में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आपके प्राप्त अंकों के आधार पर अगर आप अधिक अंक पाते हैं, मेरिट लिस्ट में आते हैं, तो आपका चयन अगले राउंड द्वितीय चरण साक्षात्कार के लिए किया जाएगा। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर अलग अलग वर्गों के लिए मेरिट लिस्ट बनाकर चयन सूची जारी की जाएगी। प्रथम चरण को विस्तार समझते हैं। प्रथम चरण में आपका लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। पहला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन भाषा, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी शामिल है। इसके अलावा बुद्धिमत्ता परीक्षण, विश्लेषणात्मक एवं तार्किक योग्यता जितना रहेगा, जिसे प्रश्नों की संख्या 150 रहेगा और अंक 300, यानी कि प्रत्येक प्रश्न में 2 अंक का निर्धारण किया जाएगा। इसके लिए आपको समय 2.5 घंटे दिया जाएगा, यानी 2 घंटे 30 मिनट। अगला प्रश्न पत्र आपका विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कृषि विज्ञान और वानिकी के लिए रहेगा। इसमें आपका 150 प्रश्न रहेगा, जिसके लिए अंक आपको 300 रहेगा, यानी कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारण किया जाएगा और समय आपका 2.5 घंटे यानी 2 घंटा 30 मिनट का निर्धारण किया गया है। प्रथम चरण के अंतर्गत दोनों परीक्षाओं का आयोजन एक ही दिन में 2 पालियों में होगा। एक विशेष बात, इसे माइनस मार्किंग यानी ऋणात्मक मूल्यांकन प्रावधान है, जिसका प्रावधान 1/3 है। 1/3 यानी कि 3 गलत उत्तर देने पर आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। अगला है, प्रत्येक प्रश्न पत्र में कम से कम 33% अंक पाना अनिवार्य है, लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कम से कम 23% निर्धारित किया गया है। साक्षात्कार की बात करें तो कुल पदों का कुल जो निर्धारित विज्ञापित पद रहेगा उसके 3 गुना अभ्यर्थियों को ही, 3 गुना अभ्यर्थी यानी कुल पद 178, इसके 3 गुना 534 अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। और साक्षात्कार के अंक की बात करें तो साक्षात्कार के लिए 75 अंक निर्धारण किया गया है। इस वीडियो के जरिए हमने इस भर्ती प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। हमारे सभी वीडियोज़ का PDF
हमारे टेलीग्राम चैनल अभ्यस्त एकेडमी पर अवेलेबल है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। बात करें इसके सिलेबस की, तो इसके सिलेबस में बहुत गहराई है। परीक्षा तिथि आ गई है दोस्तों, 5 दिसंबर को इसका परीक्षा होने वाला है। 2 महीने से कम समय बचा है, इतने कम समय में इतने सारे सिलेबस की तैयारी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आदमी आपको क्षमता है, अगर आपको खुद पर विश्वास है, तो बिल्कुल संभव है। इसके सिलेबस के अनुसार 2 महीने से कम समय आपको तैयारी कैसे करनी है, इसकी पूरी विस्तृत जानकारी हम आपको अगले वीडियो के जरिए देंगे, जो आपके लिए निश्चित रूप से लाभदायक रहेगी। लेकिन अंत में यही बोलना चाहूँगा, अब अपनी पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दीजिए और बिल्कुल मन लगाकर स्टार्ट कीजिए। निश्चित टाइम टेबल बना लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, MCQ सॉल्व कीजिए, रिविजन कीजिए, क्योंकि आपको एक पद हासिल करना ही है। आप निश्चित रूप से ठान लें कि एक पद मेरे को हासिल करना ही है, केवल कोशिश नहीं करना चाहिए, कोशिश में आपको जान लगाना होगा। या तो जान लगा दो या फिर जाने दो। जय हिंद दोस्तों।